अबीरा की खुफिया मीटिंग, आखिर ये मीटिंग किस लिए है और ये मीटिंग सुन लेगी रूही। चलिए आपको बताते हैं क्या है सारा ट्विस्ट। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं जल्दी आप देखेंगे। दादी साहब इन दोनों की शादी के लिए मान जाएंगी, वो मानेगी नहीं, लेकिन उनके सामने अब कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। यहाँ अरमान उनके अबीरा के किडनैप करने के बाद तो और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और अब दादी साहब इन दोनों की शादी के लिए मान गई है। फाइनली रूही और अरमान इस घर में आ जाएंगे। आप देखेंगे दादी साहब को छोड़कर, संजय को छोड़कर यहाँ पूरे परिवार वाले अबीरा और अरमान के लिए एक डिनर डेट प्लान करेंगे, जहां दोनों को बैठाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। और यहां परिवार के पहुंचने से पहले अरमान और अबीरा बैठेंगे और अपनी शादी की और लाइफ की प्लानिंग करेंगे। आप देखेंगे अरमान और अबीरा को यहां अकेला बैठे देखकर रूही को होगी बेहद जलन, क्योंकि रूही अब कुछ तो ऐसा करना चाहती है जिससे इन दोनों की शादी ना हो। उसने दादी साहब को भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादी साहब भी अब रूही के कब्जे से बाहर निकल चुकी हैं, उन पर रूही की बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। अब आप देखेंगे जल्द ही रूही करेगी कोई बड़ा धमाल जिससे अबीरा और अरमान की शादी एक बार फिर से होते होते रह जाएगी। यहाँ अरमान और अबीरा अपने आगे के सपनों को सजाने बैठे हैं, अपने आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। अरमान यहाँ अपने नए घर की बात बता रहा है, लेकिन रूही इनके ये सपने को पूरा नहीं होने देगी।